नमस्कार क्लास 10th के विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 22 29 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें कौन कौन से विषय में क्या क्या सिलेबस आना है, कहाँ कहाँ तक पूछा जाना है, और जो आपके पेपर हैं वह किस प्रकार के आएंगे। तो आपको बता दें कि जो आपका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक की जो आपका कोर्स सिलेबस जो आपके लिए कंप्लीट कराया गया है, उसी में से आपका अर्धवार्षिक पेपर आएगा। और अब जो आपके पेपर हैं वह यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेंगे, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले आपको पेपर बता रहे हैं या बताएंगे, वह मॉडल पेपर और फेक पेपर होंगे। तो आपके लिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है कि आपकी जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी करनी है, और आपके लिए अगर परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि आपकी परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। तो इस चैनल पर पूरी ही जानकारी उपलब्ध है और मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो हिंदी है उसमें किस चैप्टर तक आना है डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जो क्षितिज काव्य खंड, क्षितिज पुस्तक है आपकी, उसके काव्य खंड में जो ऋतुराज यानी अध्याय 5 है उधर तक आना है, और जो आपका काव्य खंड है उसी में कन्यादान ऋतुराज वहाँ तक आना है, और जो आपकी गीतिका है उसी में जितने भी पार्ट हैं जो हटा दिए गए हैं उनको छोड़कर पूरा आना है, और जो आपका पद्य खंड है उसमें पूरे पार्ट आना है, सिर्फ आखिरी का एक पार्ट यानी अध्याय नहीं आना है। यानी एक एक अध्याय काव्य खंड और गद्य खंड पद्य खंड में से नहीं आना है, बाकी का पूरा सिलेबस आपके लिए हिंदी में आना है और व्याकरण आना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपका जो इंग्लिश है उसमें इंग्लिश में बता दें, जो आपके इंग्लिश में जो फुटप्रिंट है उसके पूरे के पूरे चैप्टर आने हैं आपकी परीक्षा में, सिर्फ जो हट गया है वह नहीं आना है अर्धवार्षिक में। और जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसमें से लास्ट के जो हट गए हैं चैप्टर वो नहीं आना है, और जो नौवां यानी जो हट गए हैं वो नहीं आना है, और 7 चैप्टर यानी 7 चैप्टर तक पूरा आपका कोर्स फुटप्रिंट में आना है। अब आप बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत में कक्षा 10 में क्या क्या आना है अर्धवार्षिक में। तो कक्षा 10 में संस्कृत में आपके लिए नवम दसम पाठ आए, यानी पूरी की पूरी बुक आपके लिए आना है, जो हटा दिया गया है वह नहीं आना है। 10 पाठ तक आना है, पूरा याद करना है, बाकी की व्याकरण पूरी पढ़नी है। अब आते हैं जो आपका है विज्ञान, क्या है गणित, सॉरी गणित में कहाँ तक आना है। तो गणित में आपके लिए आना है पहले चैप्टर से लेकर 13 तक, 13, 14, 15 यानी पूरा सिलेबस आपका आना है A to Z, यानी एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर यानी 1 से लेकर 15 चैप्टर टोटल पूरी बुक आपके लिए पढ़ना है। पूरे आपके चैप्टर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाना है। अब जो विज्ञान है, विज्ञान में आपके लिए कितने कहाँ तक आना है मैं बता दूं, जो 14 और 16 जो चैप्टर हैं आखिरी के 14 और 16 ये दोनों छोड़कर बाकी की पूरी पुस्तक के आपके लिए प्रश्न क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर आना है। अब है इतिहास यानी जो आपकी सामाजिक विज्ञान, उसमें भूगोल में अध्याय 6 तक आना है, राजनीति में अध्याय 7 तक आना है पूरा A to Z, जो हट गया है वो नहीं आना है। इतिहास में अध्याय 5 तक आना है, अर्थशास्त्र में अध्याय 5 सॉरी इतिहास में अध्याय 4 तक आना है, अर्थशास्त्र में अध्याय 5 तक है आपके लिए पूरा की पूरा पढ़ना है, सिर्फ एक एक चैप्टर हटे हैं। और जो आपका जी कोर्स है इस चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, पेपर्स जो हैं आपके लिए कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मॉडल पेपर आपको देख लिए मिल जाएंगे। और अगर आप अर्धवार्षिक की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो वार्षिक की और प्री बोर्ड की आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। वार्षिक का जो ब्लूप्रिंट है वह इस चैनल पर डला हुआ है, उसकी वीडियो लिंक उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस प्रकार आपके लिए वार्षिक के ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करना है, जिससे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक की भी तैयारी पूरी तरह हो जाएगी। आप मुझे मालूम है कि आपका जो कोर्स है बिल्कुल नहीं हुआ है, यानी कम हुआ है, हुआ तो है लेकिन अर्धवार्षिक के हिसाब से आपका कोर्स नीचे डाउन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएँ तो आपके लिए बहुत मेहनत करना है और
आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप अगर कक्षा 10 में हैं, 9 में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।